हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर जिया स्पोर्ट्स। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए, ये कार के अंदर 18 इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, जिसके अंदर वायर एंड्रॉयड ऑटो सिस्टम आती है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है ऑटोकास्ट ए टू एयर वायरलेस अडेप्टर। सो ये डिवाइस की वजह से क्या होगा, ये जो एंड्रॉयड ऑटो सिस्टम जो है ये वायरलेसली काम करेगी और सीमलेसली काम करेगी। सो यहाँ पे देखिए, ये ऐसा कुछ डिवाइस है। ये देखिए, अभी हम गाड़ी में बैठेंगे और फिर उसके बाद में ये बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट आते हैं वो देखेंगे। सो अभी यहाँ पे देखिए, ये कार के अंदर चलो बैठते हैं और फिर उसके बाद में चेकआउट करते हैं कि ये कैसा काम करता है। सो गाइस, अभी यहाँ पे देखिए, ये बॉक्स है। अभी ये बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो अभी हम देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए, ये ऑटोकास्ट का ये जो डिवाइस है वो डिवाइस आता है, ये देखिए। उसके बाद में ये यूज़र मैनुअल आता है, जिसके अंदर ये डिवाइस कैसे कनेक्ट करते हैं वो बताया हुआ है। सो अभी मैं प्रैक्टिकली आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे कनेक्ट होता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, ये बॉक्स आता है, ये बॉक्स के अंदर केबल्स आते हैं। सो इसके अंदर दो केबल्स आते हैं, एक आती है USB टू टाइप सी और एक आता है टाइप सी टू टाइप सी। ये ऐसे दो कॉर्ड्स आते हैं। सो अभी यहाँ पे देखिए, ये जो टाइप सी टू टाइप सी जो है इसकी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे देखिए, अभी हमें क्या करना है बेसिकली। अभी मैं सबसे पहले बात तो आपको ये एंड्रॉयड ऑटो जो सिस्टम है ये मैं कनेक्ट करके बताता हूँ आपको कि ये वायर्ड है। यहाँ पे अभी देखिए, ये मैंने मोबाइल को ये टाइप सी जो केबल है वो कनेक्ट कर लिया है। और अभी यहाँ पे देखिए, ये कार को जो USB जो है ये यहाँ पे कनेक्ट करना है, ये देखिए। सो अभी मैंने जैसे कनेक्ट किया, यहाँ पे देखिए, एंड्रॉयड ऑटो इज अवेलेबल फॉर दिस डिवाइस, सिलेक्ट एन ऑप्शन बिलो, यू कैन चेंज द सिलेक्शन। तो यहाँ पे देखिए ऑन करना है। सो जैसे ही हम ऑन करते हैं, सो यहाँ पे देखिए, ये एंड्रॉयड ऑटो जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ पे मैं जैसे ही अनलॉक करता हूँ तो ये देखिए कंटिन्यू पे आगे। सो ये अभी एंड्रॉयड ऑटो जो सिस्टम है वो काम करना स्टार्ट हो गया, ये देखिए, ये देखिए। सो अभी हम क्या करते हैं, अगर हमें इसे अभी वायरलेसली करना है तो हमें बेसिकली क्या करना है, ये जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम सेटअप में जाना है। उसके बाद में ब्लूटूथ डिवाइस में जाना है। ब्लूटूथ डिवाइस में जाने के बाद में यहाँ पे ऐड न्यू डिवाइस करना है, यहाँ पे देखिए। और फिर यहाँ पे जो ये हमारा फ़ोन है, ये फ़ोन को हमें पेयर करके कनेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पे सर्च हो रहा है, ये देखिए अभी यहाँ पे मेरा फ़ोन आ चुका है। सो अभी यहाँ पे हम पेयरिंग कर रहे हैं। सो यहाँ पे पेयर हो चुका है। सो अभी ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। सो अभी हमें क्या करना है, ये जो डिवाइस है ऑटोकास्ट का, इसे इसके साथ प्लग कर लेना है। और जैसे ही प्लग करते हैं हम, तो यहाँ पे स्कैन करना है हमारे मोबाइल के अंदर। और फिर यहाँ पे देखिए, ऑटो FD09 यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसके ऊपर हमें प्रेस करना है और इसके साथ हमें पेयर कर लेना है। सो अभी यहाँ पे देखिए, ये पेयर हो चुका है। और यहाँ पे ऊपर एंड्रॉयड ऑटो का ये लोगो भी दिखा रहा है। और फिर अभी यहाँ पे देखिए, अभी थोड़ी देर में एंड्रॉयड ऑटो जो फंक्शन है, यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टेड फंक्शन दिखना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे देखिए। सो एंड्रॉयड ऑटो यहाँ पे ये दिखा रहा है। सो यहाँ पे देखिए, मेनू में हमने प्रेस किया है और यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो जो फंक्शन है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए वायरलेसली, ये देखिए। सो अगर हमें सॉन्ग्स भी प्ले करने हैं तो सॉन्ग्स भी अभी प्ले हो रहे बैकग्राउंड में, ये देखिए।
अगर मैं इसके थ्रू चेंज करता हूँ, ये देखिए वायरलेसली कनेक्टेड है एंड्रॉइड ऑटो, ये देखिए यहाँ पे देखिए, इसे हम डिसमिस कर देते हैं और ये इसे भी बंद कर देते हैं। और अगर अभी हमें यहाँ पे देखिए, अगर कहीं जाना है तो यहाँ पे सर्च में हम कर सकते हैं। अगर इमेजिन कीजिए ठाणे जाना है हमें मुंबई, तो यहाँ पे ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है, सो यहाँ पे भी ऑप्शंस भी दिखा रहा है, सो ये अभी सिलेक्ट हो चुका है, ये स्टार्ट हो चुका है। सो यहाँ पे देखिए, ये सक्सेसफुली जो ऑटोकास्ट जो डिवाइस है ये से कनेक्ट हो चुका है वायरलेसली। सो देखिए कितना इफेक्टिव डिवाइस है ये। सो गाइस अभी यहाँ पे देखिए, अब हमने जो ये डिवाइस है ये कैसा काम करता है वो हमने देख लिया, ये फ्लॉलेसली काम करता है जैसे कि एक वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो सिस्टम काम करती है, बस एक वायरलेसली और सीमलेसली। सो अगर आपको इसे परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे परचेस कर सकते हो। और प्राइजेस जो है ये टाइम टू टाइम वेरी करती है, आप किस समय इसे चेक करते हो। सो अभी एज ऑफ नाउ 8000 रुपीज में अमेजोन के ऊपर इसकी लिस्टिंग हो रही है। आप शायद से अगर फ्यूचर में इसको चेक करते हो तो शायद से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन टाइमिंग। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लगता है स्कूल तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ लीजिए। और ये जो डिवाइस है अगर आपको ये परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है अमेजोन की, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। और अगर आपको ये डिवाइस पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में अच्छा बुरा लिख सकते हो। सो बाय फ्रेंड्स।